हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अपनी पिछली क्लासेज में अपन प्रेजेंट टेंस कर चुके हैं, अब हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। यदि हिंदी की पहचान की बात करें तो वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या फिर आ, ई, ए इत्यादि आए, वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कहलाता है। इंग्लिश की पहचान की बात करें तो इसमें मैन वर्ब जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो डिड हेल्पिंग वर्ब लगेगी। यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं, डिड हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में आ जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे इस टेंस में। रूल्स में ए सिंपल सेंटेंसेस, इसके सिंपल सेंटेंसेस बनाते समय, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस बनाते समय ये फॉर्मूला काम में लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सिंपल सेंटेंसेस में इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता और हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। सी कुक्ड फूड, दे प्लेड हॉकी, आई रोट ए लेटर। इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही है तो सब्जेक्ट देखने की जरूरत नहीं है, सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है। अब बी नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते समय यह फॉर्मूला काम में लिया जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा डिड, फिर आ जाएगा नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ध्यान रखना डिड हेल्पिंग वर्ब लगने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। सी डिड नॉट किल ए स्नेक, आई डिड नॉट राइट स्टोरीज, दे डिड नॉट प्ले हॉकी। यहां ध्यान रखने वाली बात यही है कि डिड हेल्पिंग वर्ब लगने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। सी इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। डिड ही ईट फूड, डिड यू मेक ए नॉइस, डिड आई रीड इंग्लिश। अब डी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में फॉर्मूला यही है, सब्जेक्ट के साथ नोट लगाते हैं। अब इसमें क्या बनेगा, डिड ही नोट ईट फूड, डिड यू नोट मेक ए नॉइज और डिड आई नोट रीड इंग्लिश। ये रूल्स के अनुसार पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया। अब करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब,
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते समय हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन सी एडवर्ब, कौन कौन से वर्ड्स उस सेंटेंस में होने जरूरी हैं। ये हैं वंस, वन डे, दैट डे, यस्टरडे, द अदर डे, एज सून एज, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इन 1995, इन 2018, सम टाइम बैक, और एनी पास्ट टाइम, कोई भी पास्ट टाइम, पास्ट का टाइम दिया हुआ होगा वहां पे हम किसका यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। एक बार फिर से देखो, वंस, वन डे, दैट डे, यस्टरडे, द अदर डे, एज सून एज, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इन 1995, पास्ट टाइम पीछे का, इन 2018, सम टाइम बैक, और एनी पास्ट टाइम होगा तो उस वाक्य में हम किसका यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, वंस देयर वाज ए किंग इन इंडिया, बी वाज पास्ट टेंस, आई रोट ए लेटर यस्टरडे, राइट वर्ब की सेकेंड फॉर्म रोट, दे वेंट दिल्ली, लास्ट ईयर गो, यहां पे यूज हो गया वेंट का, हिज वाइफ डिड नॉट डाई लास्ट मंथ, डाई यहां पे नेगेटिव हो गया, डिड नॉट डाई, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हुआ। हिंदी की पहचान, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि। और इंग्लिश की पहचान की बात करूं तो मेन वर्ब जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा, और हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज और वर लगेंगे। रूल्स में आ जाते हैं अपन, ए सिंपल सेंटेंसेस यहां पे एक बात हम ध्यान में रखेंगे कि आई जो है वो ज्यादातर प्लूरल के साथ आया अब तक हमने टेंस की उनमें ज्यादातर, लेकिन यहां पे आई जो है वो सिंगुलर के साथ आएगा, मींस वाज जो है वो सिंगुलर के साथ यूज होगी और यहां पर आई के साथ भी वाज का यूज होगा, बाकी प्लूरल के साथ किसका यूज करेंगे, वर का, और सिंगुलर के साथ वाज का। नंबर वन,
यदि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम ये फॉर्मूला काम में लेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हो जाएगा वाज, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। इसमें आई भी शामिल है, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आ जाता है इस टेंस में आई, मींस आई के साथ भी किसका यूज करेंगे, वाज का। ही वाज स्पीकिंग द ट्रूथ, टीचर वाज टीचिंग इंग्लिश, आई वाज फ्लाइंग ए काइट। इसमें नंबर टू क्या आएगा, यदि प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। दे वर मेकिंग ए नॉइज, वी वर रीडिंग इंग्लिश। स्टूडेंट्स वर प्लेइंग हॉकी। अब इसमें बी आता है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते समय अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वाज या वर में से एक आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ही वाज नॉट प्लेइंग हॉकी, I was not writing a story। यहां पे नोट लग रहा है वाज वर के साथ। They were not speaking the ट्रूथ। सी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, वही हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगी। वाज या वर को अपन स्टार्टिंग में लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। वर द बर्ड्स चर्पिंग इन द ट्री, was it raining, was I playing hockey, were they reading इंग्लिश। ये हो गए
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. अब डी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस. इनमें क्या ध्यान में रखना पड़ता है? बिल्कुल फॉर्मूला वही है. ध्यान किसका रखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा. क्या होगा फॉर्मूला? वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. अब ये सेंटेंस अपन बनाए, वर द बर्ड्स नोट चर्पिंग इन द ट्री, वाज इट नोट रेनिंग, वाज आई नोट प्लेइंग हॉकी, और वर दे नोट रीडिंग इंग्लिश. ये रूल्स के अनुसार पास्ट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट हो गया. अब बात करते हैं करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब. बिल्कुल सिंपल है इस टेंस का. क्या ध्यान में रखना पड़ता है हमें? एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम, इन दोज डेज, देन और व्हाइल. ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. क्या है? एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम, इन दोज डेज, देन और व्हाइल. ये किसी सेंटेंस में आएंगे तो हमें ध्यान रखना है किसमें लिखा जाएगा. पास्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखा जाएगा. एग्जांपल्स, दे वर रीडिंग इंग्लिश एट दैट टाइम, शी वाज कुकिंग फूड देन. यहां पे वर्ब हो जाएगी कुक, यहां पे हो जाएगी रीड, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट इन दोज डेज. वर्ब हो गई प्ले. यहां पे वाज प्लेइंग, वाज कुकिंग, वर रीडिंग. शी वाज रीडिंग व्हाइल आई वाज राइटिंग. वाज राइटिंग. व्हाइल शब्द जहां पे आएगा सेंटेंस के बीच में तो आपको ध्यान रखना है उसके दोनों तरफ ही पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, वाज रीडिंग और वाज राइटिंग. ये आज की क्लास कंप्लीट हुई जिसमें अपन ने किया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस. थैंक यू.